दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, पटना एम्स में बंपर बहाली, 280 पदों के लिए निकली वैकेंसी। जी हां, पटना एम्स में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। स्टोर कीपर से लेकर जूनियर वार्डन तक के 280 पदों पर बहाली होनी है। मिली जानकारी के अनुसार 200 नर्सिंग ऑफिसर की पदवी शामिल है। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पटना एम्स में आवेदन की प्रक्रिया 1 नवम्बर से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 30 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पटना एम्स में निकाली गई भर्ती में सबसे 200 पद नर्सिंग ऑफिसर के हैं। इसके अलावा 10 पद स्टोर कीपर के, 1 पद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 4 पद जूनियर इंजीनियर, 1 पद लीगल असिस्टेंट, 3 पद मेडिको सोशल वर्कर, 8 पद सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, 16 पद स्टेनोग्राफर, 16 पद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 25 पद स्टोर कीपर कम क्लर्क और 6 पद जूनियर वार्डन के शामिल है। अगली बड़ी खबर, बिहार में छठ पर सताएगी तेज ठंड। छठ महापर्व पर 4 डिग्री तक नीचे गिर सकता है टेम्परेचर। दीपावली पर भी महसूस होगी सर्दी। जी हां, लोक आस्था के महापर्व छठ पर इस बार ठंड थोड़ी अधिक सताने वाली होगी। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी हवा का प्रभाव स्थिर रहेगा। इस कारण से तापमान में काफी उतार चढ़ाव होगा। इस दौरान दीपावली पर लगभग 2 डिग्री तापमान नीचे आएगा, जबकि 10 और 11 नवम्बर को रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक कमी हो सकती है। मौसम विभाग ने दीपावली तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिराने का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि छठ पर सुबह के अर्ध के दौरान पारा काफी लुढ़का होगा, जिससे घाटों पर ठंड का सामना करना होगा। बड़ी खबर, उपचुनाव जीतने के बाद बिहार में सरकार बनाएगी तेजस्वी, बीजेपी नेता का बड़ा बयान, रिजल्ट के बाद होगा खेला। जी हां, बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान शनिवार को संपन्न हो गया। कल मतदाताओं का फैसला आने वाला है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में वह आरजेडी की सरकार बनाएगी। तेजस्वी के इस दावे के बाद बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी ने भी यह कह दिया है कि उपचुनाव परिणाम आने के बाद बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीट पर जीत हासिल करेगी, इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, लालू यादव से बीजेपी नेताओं की मुलाकात से भड़की कांग्रेस, कहा हमने तो पहले ही कहा था कि हो गई है डील। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा और नंद किशोर यादव के लालू प्रसाद यादव सहित राष्ट्रीय जनता दल नेताओं के साथ मुलाकात ने बिहार के राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले शुक्रवार रात हुई इस मुलाकात ने कांग्रेस को चौकन्ना कर दिया है, जो इस दिनों आरोप लगा रही है कि बीजेपी और आरजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है। आपको बता दें कि यह मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई, जिसमें बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। हालांकि सेना ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए अटकलों को शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का हालचाल लेने के लिए यह मज शिष्टाचार भेंट थी। पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के दिनों में मैं लालू प्रसाद यादव को जानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं वहां 2 घंटे बिताया, लेकिन राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर, पटना में खुला मेदांता अस्पताल, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन, बोले 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित रहेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जय प्रभा मेदांता अस्पताल में 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित शुल्क है, उसी शुल्क पर यहां इनका इलाज किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का भी यहां इलाज कम रेट पर होगा।
बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री का अधिकारियों को निर्देश, स्कूलों में पूरी अवधि तक पढ़ाई सुनिश्चित करें। जी हां, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूलों में पूरी अवधि तक पढ़ाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मिड डे मील के बेहतर संचालन के साथ ही पठन पाठन किसी भी कीमत पर बाधित न हो, इसका पूरा ख्याल रखे। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों का मकसद शिक्षकों को दंडित करना न हो, बल्कि स्कूलों का माहौल बेहतर बना रहे, इस पर वे जोर दे। शिक्षा मंत्री रविवार को प्रधान मंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तब ये बातें कही है। बड़ी खबर, बिहार में घर बनाना हुआ महंगा, मजदूरी बढ़ने के साथ डीजल के गर्मी से ईंट हुई और सख्त। जी हां, बिहार में ईंट उद्योग पहले ही समस्याओं के मकरजाल में फंसा हुआ है। कोयले की कीमत में बेतहाशा वृद्धि, मजदूरों का पारिश्रमिक बढ़ने, बालू की किल्लत से बिक्री ठप पड़ने के कारण ईंट निर्माता परेशान है। अब डीजल की कीमत 104 रुपये प्रति लीटर से आगे निकल जाने से यह परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि ईंट की कीमत करीब 300 रुपये प्रति हजार बढ़ गई है। आपको बता दें कि राज्य में ईंट का भट्टे पर मूल्य 14,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति ट्रॉली है। एक ट्रॉली में 1500 ईंटें आती है। इस तरह से प्रति ट्रॉली ईंट की कीमत 450 रुपये सिर्फ डीजल के कारण बढ़ गई है। ईंट की बिक्री इस समय बालू की किल्लत के कारण दबी हुई है। बालू नहीं मिलने से निर्माण कार्य बंद है। आपको बता दें कि जो ही बालू की उपलब्धता बढ़ेगी, ईंट की मांग बढ़ जाएगी और इसका भाव भी तेजी से बढ़ेगा। बड़ी खबर, सेना के विशेष विमान से लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन का पार्थिव शरीर लाया गया पटना एयरपोर्ट, शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। जी हां, सेना के विशेष विमान से लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन का पार्थिव शरीर कल पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन किया गया। पार्थिव शरीर को बेगूसराय ले जाया जाएगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि वे शनिवार की शाम अपने टीम के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे आईडी विस्फोट में लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन और एक जवान मंजीत सिंह शहीद हो गए। ऋषि रंजन बेगूसराय के रहने वाले थे, जबकि मंजीत सिंह पंजाब के भटिंडा के रहने वाले थे। बड़ी खबर, पटना में गंगा जल लेने के लिए नहीं जाना होगा नदी किनारे, व्रतियों के लिए मोहल्ले में होगी सप्लाई, तैयारी शुरू। जहां छठ पूजा में व्रतियों को सुविधा देने के लिए पटना नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आस्था के इस महापर्व के लिए लोगों को गंगा जल के लिए परेशान नहीं होना होगा। निगम मोहल्ले में शुद्ध गंगा जल की सप्लाई करेगा और अस्थायी तालाबों में भी गंगा जल डाले जाएंगे। छठ पूजा को लेकर पटना में प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। घाटों की सफाई शुरू हो गई है। वहीं घर में ही अर्घ देने वालों को निगम की तरफ से सुविधा देने की तैयारी है। व्रतियों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। गंगा जल के लिए लोगों को गंगा घाट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। छठ पूजा के 2 दिन पहले ही सभी वार्ड में टैंकर से गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में बिहार पुलिस में छुट्टी पर रोक, मुख्यालय में जारी किया आदेश, सामने आई ये बड़ी वजह। जी हां, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने अवकाश पर रोक लगा दी है। 1 से 12 नवंबर तक पुलिस अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक रहेगी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरतों को देखते हुए मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। इससे पहले दुर्गा पूजा और होली के वक्त भी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगी थी। बड़ी खबर, पटना में 1 नवंबर से चलेगा सघन फॉगिंग अभियान, डेंगू के मरीजों की संख्या 150 के करीब। जी हां, राजधानी में डेंगू मच्छरों का कहर बढ़ता देख स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमार सिंह ने शुक्रवार को मच्छरों की रोकथाम के लिए सघन फॉगिंग और लार्वा साइडल छिड़काव अभियान चलाने का लिखित आदेश मलेरिया विभाग को दिया। 1 नवंबर से शहरी क्षेत्र में फॉगिंग व लार्वा साइडल का छिड़काव शुरू हो जाएगा, यह जानकारी सिविल सर्जन ने दी है। बड़ी खबर, NH-84 से जुड़ेगा जुनेश्वर मिश्र पुल, यूपी से बिहार आना हो जाएगा आसान। जी हां, यूपी के 82 में बक्सर को बलिया से जोड़ने वाला जुनेश्वर मिश्र पुल का संपर्क पथ राष्ट्रीय राजमार्ग 84 से जुड़ेगा। NH-84 पर बक्सर पटना फोरलेन मार्ग बन रहा है और कुंवर सिंह पुल के रास्ते यह लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है। ऐसे में 82 पुल का संपर्क इस पथ से जुड़ने से जिले के दियारा इलाके बलिया से सीधे जुड़ जाएंगे और छपरा एवं उत्तर बिहार जाना भी आसान हो जाएगा। बड़ी खबर, भारत माला योजना के तहत बिहार में 3 नए पथों का किया जाएगा निर्माण। जी हां, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि भारत माला योजना के तहत 3 नए पथों का निर्माण किया जाएगा।
इसमें मुजफ्फरपुर से साहिबगंज जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर, रक्सौल से सोनबरसा जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर और रक्सौल से पेटही तक 65 किलोमीटर लंबी सड़क के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से सहमति बन गई है। मुजफ्फरपुर से साहिबगंज तक के पथ से पटना से बेतिया सड़क को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रक्सौल सोनबरसा सड़क दोनों व्यापारिक केंद्रों को जोड़ेगा और रक्सौल पेटही सड़क से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सीधे संपर्कता मिलेगी। बड़ी खबर, पटना में 6 महीने के अंदर मिले कैंसर के 2500 नए मामले, 16 जिलों के हैं मरीज। जी हां, प्रदेश के 16 जिलों में चल रहे कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम से महज 6 माह में ही 2783 लोगों में कैंसर के शुरुआती लक्षण मिले हैं। अब तक जिन रोगियों की पहचान हो चुकी है उन्हें सूचीबद्ध कर इनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसकी पहचान व जागरूकता को लेकर कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार की ओर से कैंसर मरीजों की चिकित्सा की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य में कैंसर रोगों की पहचान के लिए 16 जिलों में केंद्र के सहयोग से कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम चला रहे हैं। आपको बता दें कि जिन जिलों में स्क्रीनिंग कार्यक्रम चल रहा है उनमें पटना, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और गया शामिल है। और अंत की बड़ी खबर, बीपीएससी के 13,140 पदों के लिए इस दिन हो सकती है काउंसलिंग, पीईटी का परिणाम जारी। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम संयुक्त परीक्षा के 13,140 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया की जा रही है। आयोग की ओर से प्रथम चरण का टाइपिंग, आंसू लेखन व शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। रविवार को आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आयोग के अनुसार इन्हें 2-3 दिनों की सूचना पर परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा दीपावली व छठ के बीच हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य के 42 विभिन्न प्रकार के पदों पर 13,140 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। अब दिवाली से छठ के बीच 727 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा, टाइपिंग जांच व आंसू लेखन टेस्ट होगा। इसके बाद सभी 13,140 पदों के लिए काउंसलिंग के लिए स्क्रीनिंग की जानी है। यह प्रक्रिया अब 15 नवंबर के बाद संभव दिख रही है। आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में दीपावली और छठ पर पटाखों पर बैन लगाने का फैसला सही है या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।